नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मनीष तिवारी ने अपने खिताब में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करके आपने अपनी कमजोरी को दर्शाया है। उन्होंने लिखा कि मनमोहन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी लिखा कि एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। वोडाफोन आइडिया ने प्रीपेड टैरिफ को बढ़ाने का ऐलान किया है। ये बढ़े हुए दाम 25 नवंबर से लागू होंगे। प्लान एयरटेल से लगभग मिलते जुलते हो जाएंगे। इससे पहले एयरटेल ने सोमवार को अपने ग्राहकों के लिए प्रीपेड टैरिफ में इजाफा किया था। वोडाफोन आइडिया के प्रीपेड प्लान्स की नई कीमतों के तहत मौजूदा समय में कंपनी का सबसे सस्ता प्लान अब 99 रुपये में उपलब्ध होगा। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम मॉल समेत 5 ई कॉमर्स कंपनियों और कई विक्रेताओं को भारतीय मानक ब्यूरो के मानक पर खड़ा नहीं उतरने वाले प्रेशर कुकर की बिक्री के लिए नोटिस भेजा है। सीसीपीए ने बीते 18 नवंबर को इन ई कॉमर्स कंपनियों और उनके प्लेटफॉर्म पर प्रेशर कुकर की पेशकश करने वाले विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है। देश में जानलेवा कोविड-19 का प्रकोप बरकरार है। हालांकि अब मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,579 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 236 लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात यह है कि देश में 543 दिनों बाद इतने कम मामले दर्ज हुए हैं। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,13,584 है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों के बीच ढोल बजाया और डांस किया। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मंडला जिले में थे। उन्हें यहां आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ ढोल बजाते और डांस करते देखा गया। इसका वीडियो भी है। वीडियो में शिवराज सिंह चौहान ढोल बजाकर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना पहुंचे। यहां गिल रोड स्थित ऑटो एसोसिएशन के दफ्तर भी पहुंचे और ऑटो चालकों के साथ चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि एक समय मैंने खुद ऑटो चलाया है, यही वजह है कि इन लोगों की मुश्किलों को बारीकी से जानता हूं। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन में सवार वेटर की भगवा पोशाक पर आपत्ति जताते हुए मध्य प्रदेश के उज्जैन के साधु संतों द्वारा इस ट्रेन को 12 दिसंबर को दिल्ली में रोकने की धमकी दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद सोमवार को इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ट्विटर पर ऐलान किया कि इस ट्रेन के वेटर की पोशाक अब भगवा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाएगा। 25 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शिलान्यास समारोह के दौरान नाम बदलने की संभावना सबसे अधिक होगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के शीर्ष नेता मौजूद रह सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन अब भी अपने पोर्टल पर उन सामानों की बिक्री कर रही है जो भारत में प्रतिबंधित है। अमेजॉन ने ही अमोनियम नाइट्रेट सहित अन्य वो सामानों की डिलीवरी की जिसे भारत में बेचने पर पाबंदी जताई गई है। इन सामानों की मदद से कई लोगों ने पुलवामा घटने को अंजाम दिया था जिससे हमारे 40 सैनिक के जान जाने की खबर सामने आई थी। कंगना रनौत आजादी भीख में मिलने की बात कहकर कई लोगों के निशाने पर आ चुकी है। महाभारत के भीष्म मुकेश खन्ना ने भी उनके स्टेटमेंट पर अपनी राय रखी है। मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कंगना को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कंगना के इस बयान को इनडायरेक्टली बचकाना, चापलूसी से प्रेरित और पद्मश्री का साइड इफेक्ट भी कहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने साल 2008 में मुंबई में हुए हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। मनीष तिवारी ने तत्कालीन मनमोहन सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार को इस हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी ने 26/11 को लेकर अपनी आने वाली खिताब में ये बयान दिया है। राष्ट्रपति भवन में आज रक्षा आकलन समारोह में वीर सैनिकों को वीरता मेडल से नवाजा गया। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी की हिंसा में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों को वीरता मेडल से नवाजा। इस दौरान लद्दाख में गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी मां और पत्नी को पुरस्कार दिया। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो के लिए इस साल का सितंबर महीना किसी बुरे सपने जैसा रहा। कंपनी ने मात्र एक महीने में करीब 2 करोड़ ग्राहक गंवा दिए हैं जबकि उसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी भारतीय एयरटेल ने सितंबर में 2.74 लाख नए मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया के कनेक्शनों की संख्या भी 10.77 लाख घट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा जाएंगे। पीएम वहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। इस एयरपोर्ट के तैयार हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो जाएगा जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़क पर थप्पड़ गर्ल के हाथों 22 थप्पड़ खाने वाले कैब ड्राइवर शहादत अली ने राजनीति में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने अखिलेश सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। उन्हें पॉलिटिक्स में क्यों आना पड़ा, अली ने इसकी वजह भी बताई है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है। लो प्रेशर की तरफ बादल धनबाद होकर जा रहे हैं। समुद्री बादलों की आवाजाही की वजह से तापमान में गिरावट नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही हिमालय की ठंडी हवा भी इस तरफ आ रही है। गर्म बादल और ठंडी हवा की आवाजाही से कोहरे और धुंध की संभावना बन रही है। मॉनसून अध्ययनकर्ता डॉक्टर एस पी यादव की माने तो दिसंबर के पहले सप्ताह में चक्रवात सक्रिय हो सकता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयर बीएसई पर आज यानी कि 23 नवंबर को लगभग 6% की तेजी के साथ रिकवर होते हुए 1447 रुपए पर पहुंच गया है। 22 नवंबर को कंपनी का शेयर 1360 रुपए पर बंद हुआ था, जो इसके 2150 रुपए के इश्यू प्राइस से 35% से भी ज्यादा नीचे के स्तर पर था। स्टील के वैश्विक बाजार में यहां के उत्पाद की मांग है। अब आने वाले दिनों में एक और क्षेत्र में बोकारो की पहचान बनने वाली है। यह होगा सीमेंट सेक्टर में। प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन सीमेंट उत्पादन का यहां संयंत्र स्थापित होने जा रहा है। इसके चालू हो जाने के बाद यहां से कई राज्यों में सीमेंट की आपूर्ति होगी। पेटीएम ने देश में सबसे बड़ा आईपीओ पेश करने का रिकॉर्ड तो हासिल कर लिया, मगर इसके आईपीओ ने निवेशकों के साथ साथ कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेख शर्मा को भी काफी निराश किया है। इस बाबत पेटीएम ने देश में अपने सबसे बड़े आईपीओ पेश करने का रिकॉर्ड तो हासिल कर लिया, लेकिन इसके बाद मिली निराशा के बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया है। साथ ही इसमें खेद भी जताई है और लोगों से निराश नहीं होने की भी अपील की है। उद्योग धंधों में कोरोना से पूर्व की स्थिति लौट रही है, जिसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसंधान में वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ा दिया गया है। पहले के अनुमान में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.5 से 9% बताई गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 9.3 से 9.6 के बीच बताया गया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पर एक व्यापक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कमल पुष्प शुरू किया है। ये राष्ट्र निर्माण के लिए खुद को समर्पित कर देने वाले कार्यकर्ताओं की पीढ़ियों की निस्वार्थ सेवा संग्रहित करने, संगठित करने और प्रसारित करने के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इसी के साथ जम्मू कश्मीर में 165 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें झेलम और तवी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं शामिल हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर तरह की मदद का आश्वासन देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आने वाले दिनों के लिए विकास की रूपरेखा दे दी है। लंबे इंतजार के बाद साल 2021 में सरकारी कर्मचारियों को कई बार खुशखबरी मिली है। पहले डीए में 11% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को दिवाली बोनस के साथ डीए और टीए में भी इजाफा मिला है। इसके साथ ही पहले का बकाया महंगाई भत्ता भी जोड़कर मिल रहा है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के एक और भत्ते पर चर्चा चल रही है, जिसका फायदा उन्हें जनवरी में मिल सकता है। निक जोनस ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो हाल ही में शेयर किया है, जिसमें वो वर्कआउट करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए पत्नी प्रियंका चोपड़ा ने कमेंट किया है कि मैं तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूं। इसके साथ ही प्रियंका ने आंखों में प्यार और दिल वाली इमोजी भी बनाई है। प्रियंका ने अपने इस कॉमेंट से तलाक की खबरों पर लगाम लगा दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि उनके और निक जोनस के बीच में सब कुछ ठीक है। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में कोहरे की अधिकता के कारण रेल यातायात भी प्रभावित होता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर और बीकानेर मंडल के रेलखंड कोहरे की अधिकता से प्रभावित रहते हैं। खंडों में रेल सेवाओं के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे ने विशेष अतिरिक्त प्रबंध किए हैं, जिसमें संबंधित विभाग इंजीनियरिंग, सिग्नल और दूरसंचार, विद्युत, यांत्रिक, परिचालन और संरक्षा विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की परिस्थिति में संरक्षित रेल संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि 10 और लोग अभी भी लापता हैं। यह जानकारी राज्य सरकार ने पेश की है। एसपीएस नेल्लोर जिले के पादुगुपाड़ू के पास क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद विजयवाड़ा चेन्नई खंड में एक रेलवे लाइन को सोमवार को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। फिल्म निर्माता फारा खान ने कार्तिक संग अपनी एक सेल्फी वाली पोस्ट शेयर की है और लिखा है, जन्मदिन मुबारक हो कार्तिक आर्यन, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, ये मुस्कुराहट लोगों को पागल करती है। फारा का मैसेज देखकर अवसर ना गंवाते हुए कार्तिक ने उन्हें जवाब दे दिया, मेरे साथ कोई फिल्म की घोषणा करो, पूरी लाइफ स्माइल नहीं उतरेगी।
कोरोना काल में बढ़ते खतरे की वजह से सबसे पहली मार घरेलू कामगारों पर पड़ी, उनकी नौकरियां छूट गई और खाने के लाले पड़ गए थे। उस वक्त सरकार ने गरीबों के लिए मदद का ऐलान तो किया, लेकिन घरेलू कामगारों का कोई निश्चित डेटा नहीं होने की वजह से कोई खास नीति उनके लिए नहीं बन पाई। इसके अलावा और भी कई दिक्कतें आई, ऐसे में अब सरकार ने इनका सर्वे करवाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत की थीम के साथ गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। गुजरात सरकार ने सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में 24,185.22 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 3 नए कृषि कानून को रद्द किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आगे की रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। इस पर मंथन करने के लिए सोमवार को कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, शक्ति सिंह गोहिल, अजय कुमार लल्लू, अनिल चौधरी और अन्य नेता कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिंसेस जारा, जीके प्लस, नूनू कुमार, अहमद बी आर, डीबीजी, मोहम्मद फैजान, अभिनव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अरविंद कुमार, धीरज कुमार, सीगू IMN, भगेलू शाह, मजाक म्यूजिक, कैलाश यादव, नीतीश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो विकास के क्षेत्र में सबसे अव्वल है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।